शाबाश अक्षरा, वेरी गुड। खुद ही खुद को शाबाशी दी जा रही है, क्या हो गया? कुछ नहीं, मेरा मन किया अपनी तारीफ करने का। क्यों, इंसान खुद अपनी कभी तारीफ नहीं कर सकता है? कर सकता है ना, क्यों डुगू? अपनी मम्मी से कहिए कि सब लोग यहाँ पर उनकी बहुत तारीफ करते हैं, खुद की तारीफ करने की क्या जरूरत है? अपने पापा से कहिए थैंक यू। अपनी मम्मी से कहिए वेलकम। अब डुगू, पापा से पूछिए ना, क्या वो कल छुट्टी ले सकते हैं? छुट्टी? अक्षरा क्या हो गया आपको, आज पहली बार आप मुझे छुट्टी लेने के लिए कह रही हैं? क्यों नहीं कह सकती हूँ क्या? हाँ कह सकती है, लेकिन पहले ये तो बताइए किस लिए, मुझे सरप्राइज देने वाली है क्या? नैतिका आप भी ना, वो दरअसल माने पूजा रखी है इसलिए। बस हाँ जी, अभी के लिए बस इतना ही। माँ राधे कृष्ण, माँ राधे कृष्ण, मेरी बच्ची। माँ कैसी है आप? कैसी होंगी बेटा, जब से सुना है मन बहुत बेचैन है, तुझसे बात करने के लिए तरस गई हूँ बेटा। माँ मुझे माफ कर दीजिए। अरे तुम माफी किस लिए मांग रही बेटा? मैंने आपसे ये बात छुपाई, आपसे बहुत बताना चाहती थी, लेकिन आपको और दुख नहीं देना चाहती थी। वैसे भी आप मेरे लिए कितना परेशान रहती है। ये तो क्या कह रही है नंदिनी, ये सब छोड़, वहां सब ठीक तो है ना? हाँ मां सब बिल्कुल ठीक है। गलती तो मेरी ही है, दरअसल मेरे ही मुंह से निकल गया था उनके आगे। कोई बात नहीं मां, एक ना एक दिन तो सबको पता चल रही था। सो तो है, पर ये बता तू कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, सब बढ़िया है। और घर में सब लोग कैसे? अच्छे हैं, सब तुझे बहुत याद कर रहे हैं। रंजन मामा और ललिता मामी भी आई हैं, तेरे बारे में पूछते रहते हैं। अच्छा मैं सबसे मिलने आऊंगी, वैसे भी कल तो आ ही रहे ना, नैतिक का जन्मदिन जो है। हाँ माँ, बाकी बातें मिलकर करेंगे, अब मैं रखती हूँ। राधे कृष्ण। March 2009, उस दिन हमारे रिश्ते की बात हुई थी। पहली बार मैंने वो नाम सुना था जो हमेशा के लिए मेरे नाम के साथ जुड़ गया। फिर संडे होली के दिन, हल्की हल्की सर्दियों की शाम, जब हमने एक दूसरे को पहली बार देखा, उस शाम आपके जाने के बाद भी मैं आप ही के बारे में सोचती रही। कुछ था आपकी बातों में जो मुझे छू गया। यूं तो आपके साथ बिताया हर पल मेरे लिए बहुत ही खास है, चाहे वो प्यार का पल हो या हमारे खूबसूरत झगड़ों का, कभी ऐश्वर्या और कटरीना को लेकर तो कभी ओथेलो। और मुझे उसमें भी बहुत मजा आता है क्योंकि तब आप और भी क्यूट लगते हैं। आई लव यू। आई लव यू टू अक्षर। आपका बेटा भी आपसे आई लव यू कह रहा है। आई लव यू टू नक्ष बेटा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नैतिक, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नैतिक, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। आज मेरा 26वां क्यों, 50वां बर्थडे क्यों नहीं है?
आज का बर्थडे सचमुच बहुत स्पेशल है, मैं बता नहीं सकता आपने मुझे कितनी खुशी दी। थैंक यू वंस। अब सारे थैंक यू अभी क्यों कह रहे हैं, थोड़े बचा के रखिए, पूरे दिन क्या कहेंगे। आज मेरे नैतिक का बर्थडे है, आज का दिन तो बहुत ही स्पेशल और यादगार होगा। अब आप जल्दी से तैयार हो जाइए, नीचे ना सब लोग आपकी राह देख रहे हैं, और खास तौर से आपका प्यारा सविता नक्श। खुश रहे बे, ईश्वर तेरी सारी इच्छा पूरी करे। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। धन्यवाद दादाजी। खुश रहो मुन्ना, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेटा ये तुम्हारे लिए। धन्यवाद दादाजी। जी उपहार तेरी भाभी माँ की तरफ से है, मारी तरफ से थारे को आज दफ्तर से दिन भर की छुट्टी। अरे भाई मुन्ना, तुम्हारा उदयपुर है बहुत महंगा, चीज छूने में भी डर लगता है, कहीं छूने के पैसे ना रखवा ले। हैं? ये लो मुन्ना शर्ट, हम दोनों ने देखभाल के लाए, अगर तुम्हें पसंद ना आए तो बता देना, बदलवा लेंगे। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो दादा। थैंक यू केशव। अब ये रख दीजिए। सुपर डैड, इसे तो मैं अभी अपनी चाबी में लगा लेता हूँ, अपने पास ही रखूँ, ओके? आइए पूजा कर लेते हैं। अरे वाह अंशु बेटा, ये कार्ड तो बहुत बढ़िया है, जमाईसा के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सच बहुत सुंदर है बेटा। थैंक यू बड़ी माँ। अनन्या बेटा, आप भी दिखाओ कि आप फूफा जी के लिए क्या गिफ्ट लाए हो, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। शौर्य की माँ, अब हमें चलना चाहिए। काका काकी दादी वो सब नहीं जाएंगे? बेटा कल रात से फिर माँ के जोड़ों में दर्द हो रहा है, इसलिए वो नहीं जा पा रही है, और छोटी उन्हीं के पास रुक रही है। और बेटा ओमी को हमने सुंदरलाल एंड सन्स के वहाँ भेज दिया, एक बहुत जरूरी मीटिंग थी आज। अनन्या स्कूल जाएगी ना? स्कूल के बाद फूफा जी के बर्थडे पे जाएंगे। चलो चलो। अरे क्या हुआ अनन्या? क्या हुआ क्या हुआ मेरी बच्ची? स्कूल तो जाते है ना? जाओ जाओ मेरी राजकुमारी। अरे रो रही है? बस बस नहीं रोते नहीं रोते नहीं रोते। बेटा आप स्कूल तो जाते है ना? हाँ ऐसा नहीं करते। अनन्या आ जाओ। वर्षा बेटा देख, ऐसे जबरदस्ती मत कर, एक बार स्कूल को लेकर मन में नफरत बैठ गई ना तो फिर दोबारा भेजना मुश्किल हो जाएगा। माँ लेकिन रोज रोज छुट्टी करेगी तो इसे आदत पड़ जाएगी, दो दिन रोएगी उसके बाद ठीक हो जाएगी। माँ वर्षा, माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ऐसे जबरदस्ती स्कूल भेजना ठीक नहीं है, और वैसे भी आज तो हम सब लोग अक्षरा के घर जा रहे हैं जमाईसा को विश करने के लिए, तो आज रहने देते हैं। टीचर से मैं बात कर लूँ। चलिए पूजा तो हो गई, अब थोड़ी सी पेट पूजा भी हो जाए। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या खास बनाए? आज सब कुछ तेरी पसंद का बना है मुन्ना, बहू ने खास अपने हाथों से बनाया है तेरे लिए। थैंक्स अक्षरा। अरे रुक मुन्ना, खाने से पहले और भी बहुत कुछ बाकी है तेरे लिए, अपना थैंक यू संभाल के रख। आइए ना नैतिक। एक दो तीन चार। अरे रहने रहने, गिर जा तो गिनते गिनते संजा हो जाएगी। शिप किस लेट? पाउजी, आपको याद है मुझे स्पोर्ट्स टॉय कार का कितना शौक था, मैं इस पे बैठ के तो लंदन और अमेरिका भी चले जाता था।
दादाजी मुझसे कहते थे कि अगर पढ़ाई में मैं अच्छा निकला ना तो ये मुझे विदेश पढ़ने के लिए भेजेंगे, और इन्होंने अपना वादा पूरा किया। 26 गिफ्ट हैं, मतलब हर साल के लिए एक है ना। तो ये मेरे 17वें जन्मदिन पर दीदी और रश्मि ने मिलकर मुझे ये दिया था। मुझे बजाना नहीं आता था, बेसुरा बजाता था, लेकिन दोनों बहुत खुश हो जाती थी। अक्षरा, आपने हर चीज के बारे में इतना सोचा, इतनी मेहनत, इतना समय। मामी जी, अब तो मैं अक्षरा को थैंक यू बोल सकता हूँ ना? हाँ हाँ, बोल सकते हो। थैंक यू अक्षरा। बहू का धन्यवाद तो मुझे भी करना चाहिए। पिछले 2-3 दिन से जब से वो सारी चीजें इकट्ठा कर रही है, मेरी भी सारी यादें ताजा हो गई। मुन्ना के बचपन का एक एक पल मेरी आंखों के सामने फिर से आ गया। अरे बहू, ये मुन्ना की बचपन की चीजों में पैसा क्यों खर्च कर दिया? अब ये मुन्ना के किस काम के हैं? मामा जी, उस बात की आप चिंता मत कीजिए। ये सब अगर अक्षरा ने किया है तो फिर सोच समझ कर ही क्या होगा, क्योंकि ये सब तो मेरे लिए अब यादें हैं जो हमेशा मेरे साथ रहेंगी, क्योंकि अब ये सारी चीजें तो नक्श के काम आने वाली हैं। कोई चाय तो पिला दो। ये समरनाथ और बाकी सब लोग जब आ जावेंगे तब नाश्ता भी उनके साथ ही कर लेंगे। अरे मैं तो भूल ही गया, दीदी और मोहित भी तो आने वाले हैं, और रश्मि का फोन आया था, वो लोग हॉलिडे पर गए हुए हैं। थैंक यू। एक आधा थैंक यू ना बचा के रखिए। क्यों, अभी कुछ और भी बाकी है क्या? ना अक्ष, आज आपकी मम्मी तो बहुत मूड में लग रही हैं। इतनी सारी चीजें देने के बावजूद कह रही हैं कि थैंक यू, संभाल कर रखिए। चलिए आइए। राधे कृष्ण। लगता है आप हमें देख के खुश नहीं हुई, हमारे आते ही रोना शुरू कर दिया। अब ये मत कहिएगा कि ये खुशी के आंसू हैं। राधे कृष्ण बाबूजी। राधे कृष्ण बेटा। कितने सालों बाद देख रही हूँ तुझे, छोटी सी थी जब तुझे पहली बार देखा था। तुझसे मिलने की बहुत इच्छा थी बेटा। कैसी है तू, ठीक तो है ना? चिंता मत कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। और बर्थडे बॉय, हैप्पी बर्थडे नैतिक। थैंक यू दीदी। कैसी हो अक्षरा? अच्छी हूँ दीदी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। डुगू, देखो तो आपसे मिलने कौन आया है, आपकी बुआ। नक्श, मेरा नक्श कैसा है? बुआ को मिस किया? बुआ ने आपको बहुत 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 मिस किया। आप दीदी, आप इसे थोड़ी देर के लिए ले लीजिए ना, मैं सबके लिए नाश्ते और शरबत का प्रबंध करती हूँ। राधे कृष्ण।
लीजिए ना दीदी। अक्षरा तुम सबसे मिल लो फिर ले लूंगी। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। जमाई साहब हम सबकी तरफ से आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद बाबूजी। बहुत बहुत बधाई हो बेटा। थैंक यू। नैतिक जी हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू भाभी। और ये अनन्या की तरफ से दो गिफ्ट दे दो। थैंक यू अनन्या। अनन्या आज आप स्कूल नहीं गए? अरे पता है स्कूल के नाम से दो दिन से रोए जा रही है पता नहीं क्यों। अरे आप तो बुआ की गुड गर्ल हो ना, फिर क्यों? बिल्कुल नॉटी गर्ल है ये। आज नॉटी गर्ल बुआ की गोदी आ जाओ। अरे दो कैसे संभालेगी? लानक्ष को मुझे दे। नहीं नहीं अनन्या अपनी बुआ की गोदी में आएगी और डुगू को उसकी बुआ गोदी लेगी। बैठे ना दीदी अब बैठे ना। जीजू हैप्पी बर्थडे। थैंक यू अंशु। उसे नन्नी का ये दुख देखा नहीं जा रहा। और हम कर भी क्या सकते हैं? पता नहीं मुझे भी नहीं पता कि क्या कर सकते हैं। लेकिन लेकिन कुछ तो सोचना ही होगा। कोई तरकीब जिससे जिससे हमारी नन्नी की खुशियां वापस लौटाएं। आप रंजन ललिता ये है बहू के माँ बाबूजी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। और ये मेरे भाई और भाभी है। बेटा माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सच कह रही है मैं माँ हूँ तेरी। जितना तो खुद को नहीं जानती ना उतना जानती हूँ मैं तुझे। आज भी ट्राई कर लिया है
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।